हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अतिया। आज हम डिस्कस करेंगे कि जिन लेडीज को प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल आ रही है, यानी कि ओवुलेशन टाइम पीरियड ही नहीं पता कि एग कौन से डेज पे रप्चर हो रहा है या एग रप्चर्ड हो गया है, तो कितने टाइम तक रिलेशंस मेंटेन करने के जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हमें ओवुलेशन डेज को कैसे प्लान करना चाहिए। तो उसको स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि आपको भी इस तरह की नोटिफिकेशंस हर बार मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ओवुलेशन टाइम पीरियड्स, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, कंसेप्शन के लिए कौन से डेज पर्टिकुलर यूज करने चाहिए और किन दिनों में रिलेशंस मेंटेन करने चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। सबसे पहले एग रप्चर, यानी कि अंडा कब रप्चर हुआ, अंडा रप्चर हो गया तो उसके कितने डेज बाद, यानी कि कितने दिनों तक अगर रिलेशंस मेंटेन करके रखें तो प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। और एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर अंडा रप्चर्ड हो गया तो सबसे पहले आपको उसका लाइफ स्पेन पता होना चाहिए कि वो आपकी बॉडी में कितने दिनों तक जीवित रहता है, यानी कि कितने टाइम तक उसका जीवित रहते हैं। और हस्बैंड का जो सीमेन है, अगर आपके रिलेशंस मेंटेन कर रहे हो या टाइम से ओवुलेशन टाइम पीरियड से पहले रिलेशंस मेंटेन किए, तो हस्बैंड के सीमेन का लाइफ स्पेन कितना रहता है कि वो कितने दिनों तक बॉडी में जिंदा रहता है। तो देखिए, लाइफ स्पेन की अगर बात करें तो जो एग रप्चर्ड होता है, यानी कि एग को हम ओवम भी बोलते हैं, यानी कि जब बच्चेदानी में अंडा रप्चर होकर आता है तो उसका जो लाइफ स्पेन रहता है वो सिर्फ 24 घंटे का ही रहता है। 24 घंटे के अंदर ही उसको वहाँ पे अगर अच्छी क्वालिटी में, अच्छी मोटिलिटी में अगर हस्बैंड का सीमन मिल जाए तो वो वहाँ पे फर्टिलाइज्ड हो जाता है, और फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो वहाँ पे बेबी कंसीव हो जाता है। और हस्बैंड का जो सीमन एनालिसिस रहता है तो उसका लाइफ स्पैन कितना रहता है, उसकी जो मोटिलिटी रहती है यानी कि गुड क्वालिटीज रहती है, वो 48 to 72 hours तक लाइफ रहता है। तो उसी टाइम पीरियड पे ही हमें पेशेंट्स को रिलेशंस मेंटेन करने के लिए बोलना चाहिए। आगे पीछे भी रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं, बट हम लोग उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। रीज़न इसलिए अवॉइड करते हैं कि वहाँ पे सीमन की क्वालिटी पुअर हो जाती है और कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ओवुलेशंस कब हुआ। ओवुलेशंस को कंफर्म करने के लिए आप ओवुलेशन स्टडी करवा सकते हो, फॉलिकुलर स्टडी भी उसको बोलते हो, या कई ओवुलेशन किट्स आती है मार्केट में, वो भी किट्स अवेलेबल होती है, उस चीज़ से भी आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशंस हुआ है कि नहीं हुआ। जिस दिन ओवुलेशंस आपका हुआ है तो उसके 2 दिन पहले से हम लोग रिलेशंस मेंटेन करवाने शुरू कर देते हैं। अगर आपने, लेट मी सपोज, एक एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको ये नहीं पता कि आपका ओवुलेशंस कब हुए तो आपने क्या करना है, आप अपना मंथली साइकिल पहले चेक करें कि आपका मंथली साइकिल कितने डेज का है, 28 डेज का है, 30 डेज का है या 35 डेज का है। तो उसमें से आपने -14 करने, जो रेशियो निकलेगी उसी दिन आपका ओवुलेशन टाइम पीरियड होता है। बट उस चीज़ को और कंफर्म करने के लिए आप ओवुलेशन स्टडी करवा सकते हैं। अगर तभी भी कंफर्म नहीं होता तो आपने करना क्या है कि अगर आपको आइडिया है कि 14 डे पे आपका ओवुलेशन हो जाएगा, तो 14 डेज से पहले के 2 दिन से ही आप रिलेशंस मेंटेन करने शुरू कर दें, यानी कि पीरियड्स के 9th डे से लेके 22nd डे तक आपने ऑल्टरनेट डेज पे रिलेशंस मेंटेन करने, यानी कि एक दिन छोड़ के। उससे क्या होगा कि जैसे अगर आपका, लेट मी सपोज, आपका परसों आपकी ओवुलेशन होगी, अगर आज आपने रिलेशंस बनाए, जैसा कि मैंने बताया कि जो सीमेन है उसका जो लाइफ स्पेन रहता है वो 48 to 72 hours तक रहते हैं, तो परसों अगर आप ओवुलेशन अगर आपकी हो जाती है, एग रप्चर्ड हो जाता है, तो उसको वहाँ पे सीमन अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा। जब सीमन अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से हमें अपने डेज प्लान करने पड़ते हैं। अगर तभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन रहती है कि कुछ पता ही नहीं कि ओवुलेशन क्या है, तो आप जस्ट 9th डे से लेके पीरियड्स के 22nd डेज तक ऑल्टरनेट डेज पे अपने रिलेशंस मेंटेन कर लो। उस टाइम पीरियड में आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। अगर आपका साइकिल बिल्कुल ओके है या आपके एग्स की क्वालिटी अच्छी है, आपके ट्यूब्स ब्लॉक नहीं है, पेटेंट है, तो आपको कंसेप्शन होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी इम्प्लांटेशंस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इन केस आपके कोई ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या पीरियड साइकिल इरेगुलर है या एक्स की क्वालिटी पुअर है या हस्बैंड के सीमन की क्वालिटी पुअर है कि उसकी मोटिलिटी अच्छी नहीं है, तो उस पर्पज़ के लिए मैं अगली वीडियो जो आप लिंक में देख रहे हो उस लिंक पे जा सकते हो आप इजीली, जिसपे कि आपको ये पता चल जाएगा कि ट्यूब ब्लॉक्स होने पर भी हमें ऐसी कौन सी चीज़ें करनी है जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। अगर और कोई क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हो और हम आपके जल्दी आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। धन्यवाद।